नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और डायग्राम के माध्यम से जानेंगे व्हाट इज एंड टाइटनिंग एंड टिप टाइटनिंग इन टर्बाइन। इसमें हम जानेंगे कि ये टर्बाइन कहाँ और कैसे की जाती है, साथ ही में हम उसके रीजन भी देखेंगे कि क्यों एंड और टिप टाइटनिंग की जरूरत होती है, और उसके साथ उसके एडवांटेजेस को भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो साथ में रहिए वीडियो के अंत तक द इंजीनियरिंग के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं स्क्रीन पर लिखा हुआ पढ़ देता हूँ, फिर उसे हम डायग्राम से समझेंगे। इन द टर्बाइन ब्लेड एंड टाइटनिंग The front edge of shrouding of each blade is sharpened and is brought close to the roots of next ring of blades after leaving small axial clearance. Okay, अब यहाँ देखिए दो फिगर दी गई है। फिगर ए रिप्रेजेंट टर्बाइन ब्लेडिंग विदाउट एंड टाइटनिंग एंड फिगर बी रिप्रेजेंट्स टर्बाइन ब्लेडिंग विथ एंड टाइटनिंग। आपको बता दूँ कि एंड टाइटनिंग पर्टिकुलरली रिएक्शन टर्बाइन में की जाती है, और आपको पता होगा कि रिएक्शन टर्बाइन में मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड होती है। जैसे कि दोनों फिगर में राइट साइड मूविंग ब्लेड है जो कि रोटर में कंस्ट्रक्ट की गई है, और लेफ्ट साइड में फिक्स ब्लेड है जो कि केसिंग में। तो एंड टाइटनिंग में होता यह है, जैसे फिगर बी में दिखाया है, ब्लेड टिप जो टी शेप श्राउडेड है वह टेपर्ड होता है, और उसे फ्रंट एजेस मीन्स वो एजेस जो स्टीम फ्लो के अलॉन्ग है उन्हें शार्पन किया जाता है, और नेक्स्ट ब्लेड रिंग के व्हील रिम को जो रूट है उसके पास लाया जाता है विथ लिविंग स्मॉल एक्सेल क्लियरेंस। इसे हम ब्लेड की एंड टाइटनिंग कहते हैं। जैसे कि फिगर बी में दिख रहा है हमें, बोथ मूविंग एंड फिक्स श्राउडेड ब्लेड्स आर एंड टाइटन्ड एट बोथ एजेस अलोंग स्टीम फ्लो विच रिड्यूसेस स्टीम लीकेज और ब्लेड टिप। इसके बाद हम समझेंगे कि कैसे एंड टाइटनिंग स्टीम लीकेज को रोकता है। तो देखिए फिगर ए में रेडियल क्लियरेंस और एक्सियल क्लियरेंस लेबल किया हुआ है, जिसमें रेडियल क्लियरेंस क्लियरेंस बिटवीन ब्लेड टिप एंड केसिंग होता है, वही एक्सेल क्लियरेंस क्लियरेंस बिटवीन एडजेसेंट ब्लेड्स होता है अलोंग स्टीम फ्लो जो कि मूविंग और फिक्स ब्लेड है। तो होता यह है कि जब एंड टाइटनिंग नहीं की जाती तब नॉजल से आने वाली कुछ स्टीम टर्बाइन ब्लेड टिप के ऊपर से फ्लो होती है, जिसे लीकेज स्टीम कहेंगे, क्योंकि उस स्टीम एनर्जी से कोई भी हमें रिएक्शन नहीं मिल रहा है, कोई वर्क आउटपुट नहीं मिल रहा है। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, जो ब्लैक एरो से स्टीम फ्लो हो रही है वह लीकेज स्टीम है, और जो पिंक एरो से स्टीम है वह मेन स्टीम फ्लो है। अब लीकेज स्टीम का जो फ्लो है वह है रेडियल फ्लो, और मेन ओरिजिनल स्टीम का फ्लो है एक्सियल। तो होता यह है कि रेडियल फ्लो लीकेज स्टीम मेन स्टीम फ्लो के पैटर्न को डिस्टर्ब करती है, और जिससे हमारी स्टीम रिएक्शन इफिशियंट नहीं मिल पाती, और जिससे टर्बाइन एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। इसीलिए एंड टाइटनिंग की जाती है जो स्टीम लीकेज प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर देती है। जैसे फिगर टू में मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड एंड टाइटन्ड है दोनों एजेस पे, जिस कारण उनके बीच बहुत कम एक्सेल क्लियरेंस रह जाता है, और उसी से लीकेज स्टीम 0.1, 2 और 3 में कम फ्लो होती है, और साथ ही मेन स्टीम का बहुत कम पार्ट 0.3 से लीक होता है, जिस कारण से स्टीम रिएक्शन और टर्बाइन एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इस प्रकार से हमने देख ली एंड टाइटनिंग से कैसे लीकेज स्टीम रुक जाती है। ओके, यहाँ एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि एंड टाइटनिंग का मेन एम तो लीकेज स्टीम को रोकना होता है, जो कि एक्सेल क्लियरेंस कम करके हो रहा है। तो हम एक्सेल क्लियरेंस तो और भी दूसरे मेथड से कर सकते हैं, तो दोनों ब्लेड रिंग है एडजेसेंट उनको पास में अगर डिजाइन कर दिए तो एक्सेल क्लियरेंस कम हो जाएगा। ठीक है, यह ऑप्शन सही है, बट ऐसा नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जब टर्बाइन रनिंग कंडीशन में होती है तब ब्लेड्स वाइब्रेट भी करती है, और बाय चांस ड्यू टू स्मॉल एक्सेल क्लियरेंस कोई ब्लेड अगर दूसरे एडजेसेंट रिंग के ब्लेड स्ट्रक्चर से टकरा गई तो बहुत वाइब्रेशन होगा और ब्लेड डैमेज भी होगा, जिसे टर्बाइन स्टॉप भी करना होगा। बट अगर हम एंड टाइटनिंग करते हैं तो एजेस शार्प है, तो वेरी लेस सरफेस एरिया ऑफ ब्लेड इज एक्सपोज टू एडजेसेंट रिंग, सो बाय चांस क्लियरेंस कम भी हो जाता है। शार्प एट एडजेसेंट ब्लेड रूट को अगर रब भी करता है तो वह वियर आउट हो जाएगा, बट वाइब्रेशन बहुत कम होगा, और जिसमें हमें टर्बाइन ऑपरेशन को रोकना नहीं पड़ेगा, कंटिन्यू रहेगा। ओके, ये हो गया हमारा एंड टाइटनिंग का ब्रीफिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम टिप टाइटनिंग को देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, अभी तो आपको एंड टाइटनिंग अगर समझ में आ गया है तो इसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग ब्लेड स्टेज है या रिंग है उसका रेडियल क्लियरेंस कम किया जाता है। रेडियल क्लियरेंस क्लियरेंस बिटवीन ब्लेड टिप एंड केसिंग, यह इसलिए किया जाता है रेडियल क्लियरेंस कम, ताकि नॉजल से आने वाली स्टीम लीक होकर ब्लेड टिप के ऊपर से फ्लो ना हो। जैसे फिगर में दिखाया है, केसिंग स्ट्रक्चर में कॉकिंग पीस के मदद से एक प्रोट्रूडिंग अरेंजमेंट बनाया है, जिसमें शार्पन टिप है जो कि ब्लेड टिप श्राउड के ऊपर एज के साथ स्मॉल क्लियरेंस रखता है, ताकि टर्बाइन टिप में
स्टीम लीकेज रिड्यूस हो और नोजल से आने वाली स्टीम मैक्सिमम स्टीम ब्लेड से फ्लो हो, जिससे हमें मैक्सिमम इफिशियंसी मिल सके। आई होप आपको एंड टाइटनिंग और टिप टाइटनिंग समझ में आई गया होगा। तो अगर अब हम उसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो उसमें है, फर्स्ट एडवांटेज दे रिड्यूस स्टीम लीकेज और ब्लेड टिप। सेकेंड एडवांटेज है फर्दर इम्प्रूव स्टीम एनर्जी यूटिलाइजेशन एंड सो टर्बाइन इफिशियंसी। और नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस वाइब्रेशन क्रिएटेड ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ एक्सियल फ्लो मेन स्टीम एंड रेडियल फ्लो लीकेज स्टीम विच क्रिएट डिस्टर्बेंस। ओके, इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हमने एंड टाइटनिंग टिप टाइटनिंग के कंसेप्ट को समझ लिया है। अगर आपको श्राउडिंग इन टर्बाइन ब्लेड समझना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं। बाकी मुझे भरोसा है आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। मिलते हैं फिर द इंजीनियरिंग पे ऐसे किसी नए कंसेप्ट के साथ। गुड बाय दोस्तों।